हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 25 अक्टूबर से दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होने की बात पिछले दिनों कही गई थी और अभी 25 अक्टूबर के आने में तकरीबन डेढ़ महीने का वक्त भी बचा हुआ है। मतलब साफ है कि यदि युद्ध स्तर पर सही प्लानिंग के साथ निर्माण कार्य किया जाए तो ससमय दरभंगा एयरपोर्ट पर काम पूरा भी हो सकता है और उड़ान 25 अक्टूबर से शुरू भी हो सकती है, क्योंकि अधिकांश काम काफी आगे तक पूरा हो चुका है और किया भी जा रहा है। इसी बीच इसमें सबसे ताजा अपडेट यह है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निर्माण कार्य की तस्वीरें जारी कर कार्य की अप टू डेट जानकारी देते हुए कहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट से सिविल एविएशन यानी आम आदमी के लिए उड़ान सेवा बहुत जल्द शुरू होगी। अथॉरिटी द्वारा बताया गया है कि ये सेवाएं रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS के तहत उड़ान सेवा अंतर्गत होंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट पर अंतरिम सिविल इनक्लेव, टर्मिनल बिल्डिंग, कार पार्किंग, न्यू एप्रन, कनेक्टिंग टैक्सीवे समेत रनवे की स्ट्रेंथनिंग के निर्माण की जानकारी दी गई है। जिस तरह से तस्वीरें जारी की गई हैं और जो कुछ जानकारियां साझा की गई हैं, इससे यह लगता है कि अगर ससमय काम पूरा करने की कोशिश की जाए तो डेढ़ महीने के वक्त में यह सभी काम पूरा हो सकता है। बस काम पूरे मनोयोग और युद्ध स्तर पर करना होगा। तो इस खबर पर बनी हुई है हमारी नजर। दरभंगा एयरपोर्ट पर हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहे हैं हम। क्या 25 अक्टूबर से दरभंगा हवाई अड्डे से उड़ेंगे हवाई जहाज? आम आदमी की उड़ान का सपना क्या 25 अक्टूबर से पूरा हो पाएगा? यह बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि 25 अक्टूबर की तारीख लगातार सुर्खियों में है कि इस दिन से दरभंगा हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। तस्वीरें जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी की हैं, उससे इस बात को बल भी मिलता है क्योंकि वहां निर्माण कार्य काफी हद तक तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख भी रहा है। डेढ़ महीने का वक्त अभी बचा हुआ है। इस तिथि में अगर युद्ध स्तर पर पूरे समर्पण और योग से सरकार काम कराए तो यह तय है कि 25 अक्टूबर से उड़ान सेवा शुरू की जा सकती है। हालांकि इस खबर पर बनी रहेगी हमारी नजर, जैसे ही कोई अपडेट आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे हम। दरभंगा एयरपोर्ट पर लगातार ताजा अपडेट से, अप टू डेट अपडेट से आपको अवगत कराते रहे हैं हम। न्यूज़ टुडे दरभंगा के लिए मैं संतोष झा।